मेरा नाम नवाज खान है, मैं यूके के रहने वाला हूं और पाकिस्तान में मैं कामलपुर मूसा अटक का रहायशी हूं। चंद साल से मैं सोच रहा हूं यूके में जब मैं रहता था कि मेरी दिल की ख्वाहिश एक तमन्ना थी, एक विश थी, एक शौक था कि अपने गांव में कामलपुर मूसा में और पाकिस्तान में एक अपना बेहतरीन जैसा अपने बच्चों के लिए फैमिली के लिए एक मकान बनाऊं। और वो सोच फिर इसमें थी कि मकान तो बनाना ठीक है लेकिन मुझे एक इंजीनियर, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी या एक आदमी चाहिए था जो इस काम को, मेरी विश को, मेरी ड्रीम को मुकम्मल तरीके से मेरे लिए मुकम्मल करे। तो उसी तलाश में मैं रिसर्च अपनी की कि कौन से ठेकेदार, कोई कंपनी वगैरह। तो हमारा एक दोस्त है बहुत ही अच्छा यूके में, आसिफ खान का उसका नाम है, उसके साथ वैसे ही मैं बैठा हुआ तो बात की कि वो एक उसने मकान एक मैरिया में बनाया था। तो उसको मैंने पूछा कि यार ये आपका मकान कौन बना रहा है, तो उन्होंने मुझे एम ए कंस्ट्रक्शन सलमान खान की तारीफ करके मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये आदमी है, इसके साथ बात करो और ये देखो कि ये आपको क्या कहता है। तो जब आसिफ के साथ जब बात हुई तो मैं सलमान के साथ रब्ता मैंने किया वहाँ से, यूके से। उसको मैंने कहा कि ये मैं करना चाहता हूँ, मेरा एक ख्वाहिश है। तो उन्होंने मुझे आर्किटेक्ट भी दिया और ख़ुद भी उन्होंने मेरे साथ बातचीत शुरू की, तो हम प्लान वगैरह करना शुरू कर दिया। जब मैं 2022 में मई जून में जब मैं इधर आया तो फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में सलमान के साथ मुलाकात हुई और ये बातचीत हमारी शुरू हुई कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। वो जो प्लान थे वो तो साल डेढ़ से पहले वहाँ से शुरू हुए थे, लेकिन जब हमने काम शुरू किया तो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जब साइन किया तो ये जून 22 में हमने मैंने उनके साथ जो अपना ठेके का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ साइन किया। तो जब हमने वो ठेका दे दिया, वो जो फर्स्ट स्टेज का ठेका था, ग्रे स्ट्रक्चर तंग ठेका था, वो मैंने सलमान को पूरी जिम्मेदारी दे दी। सलमान ने काम शुरू किया, मैं उस वक्त 3-4 महीने तक था जब हमने ये काम शुरू किया, बुनियादी शुरू की। तो जब मैं वापस चला गया अक्टूबर में तो ये पूरी जिम्मेदारी मैं सलमान को दे दी। उसने हर हफ्ते बल्कि हर दूसरे दिन मुझे रिपोर्ट देता रहा, बताता रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह मैं 3-4 महीने वहाँ रहा और उसके दौरान भी काम चलता रहा और सलमान उसकी जिम्मेवारी से काम करता रहा। फर्स्ट स्टेज था वो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरे स्टेज पे शुरू हो गए जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं तो तकरीबन 50-60-70% तक मेरा काम अभी मुकम्मल है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है, अल्लाह से तवक्को भी है कि इंशाल्लाह 100% तक जब काम कम्प्लीट होगा ये इसी तरीके से होगा जो अभी 60-70% तरीके से हुआ है। तो देखिए ये जब स्पेशली मवोसी जो लोग हैं हमको इस बात की बहुत फिक्र होती है कि ये किस तरीके से हम काम करें, किस से कराएं। देखिए ना मैं तो फिर भी माशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने ये एक नौबत दी है कि मैं इधर वक्त गुजार सकता हूँ। मेरे तकरीबन 3 साल हो गए, 2.5 साल तो डेफिनेटली हो गए, तो मेरे पास तो ये मौका था। मैं इधर हूँ, देख रहा हूँ, सुपरविजन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी ऐसे हैं ओवरसीज जो ऐसे इतने टाइम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी एक ख्वाहिश है और चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में, ऑल पाकिस्तान में मकान बनाना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस ये है कि आप पहले आएं, ये मकान देखें, ये क्वालिटी देखें और फिर अपना खुद फैसला करें कि ये मकान सही बना है या नहीं बना। अगर कोई फॉल्ट्स है उसको सही कर सकते हैं। जब आप खुश हों कि हाँ ठीक है तो आप फिर एम ए कंस्ट्रक्शन के साथ ज़रूर, सलमान खान के साथ ज़रूर रब्ता करें, बल्कि मैं खुद आपको असिस्ट करूंगा उसके अंदर। और इंशाल्लाह ये मेरी पूरी पूरी यकीन और अपनी एक तरफ से गारंटी है कि आप यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी हैप्पी और इंशाल्लाह एम ए कंस्ट्रक्शन विल गिव यू अ परफेक्ट होम फॉर योर लिविंग। फाइनली एम ए कंस्ट्रक्शन सलमान खान का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके साथ उसकी सुपरविजन सईद भाई है, वही भाई था। और फाइनली करीम खान हमारा जो साथी है, भाई है, जो ये सारी पीडिया का हमारा कोऑर्डिनेटर है, उसका बहुत ही शुक्रिया, उन्होंने टाइम गुजार के हमारी ये सारी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।